उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में आगामी 12 जनवरी को जो महाकुंभ होने जा रहा है उसको लेकर शासन प्रशासन काफी मुस्तैदी से काम करने संगम घाट गंगा के किनारे लगाए। इस बार का ये महाकुंभ 12 वर्षों बाद आ रहा है, इसलिए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वर्ष महाकुंभ जो 12 वर्षों बाद आ रहा है इसमें अन्य वर्षों की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ रहेगी और उनके आने की संभावना है। गंगा के चारों तरफ रोशनी एवं बैरिगेट्स लगाने का कार्य जोर शोरों से चल रहा है। देखिए खबर SS के लिए ताहिर खान की इलाहाबाद के संगम घाट से एक रिपोर्ट। कार मैं तारिक खान एक बार फिर खबर SS के साथ आपके कुंभ नगरी प्रयाग में, प्रयागराज जो इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज में कर दिया गया, ये देख सकते हैं बोर्ड आप अच्छे तरीके से, जो इस वक्त मैं आपके कुंभ नगरी इलाहाबाद में हूँ जो इस साल का सबसे बड़ा महाकुंभ मेला होने जा रहा है, जो इस साल का सबसे बड़ा महाकुंभ मेला होने जा रहा है इलाहाबाद में। ये देखिए मैं संगम नदी के पास हूँ, आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से खूब जोरों शोर से तैयारी हो रही है। पूरे भारतवर्ष के जितने भी श्रद्धालु आते हैं स्नान करने इसी जगह पे आते हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये कुछ लोग आ रहे हैं। जी आपका नाम क्या है? मोहम्मद खान। अच्छा, यहाँ क्या करने आए? यहाँ पे कुंभ मेले की तैयारी चल रही है जो कि महाकुंभ लगता है 12 साल लगभग आता है। यहाँ पे हजारों के तादाद लाखों के तादाद में लोग आते हैं, पूरी शहर को मतलब सजाया जा रहा है। अभी मतलब यहाँ तैयारी चल रही है, अभी तो तैयारी कुछ नहीं हुई है, मान के चलिए 20-25% तैयारी हुई है, अभी तो बाकी तैयारी अभी बाकी है। अभी चलिए ये कुंभ मेला कब से स्टार्ट होगा? ये तकरीबन आपको ये दिसंबर तक स्टार्ट हो जाएगा आपका, दिसंबर में फिर ये स्टार्ट हो जाता है। यहाँ लाखों में तादाद है, पूरी शहर की भी तैयारी चल रही है, सजाया जा रहा है शहर को पूरा। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पुलिस गाड़ियाँ ये दौरे पे कि देख रहे हैं कैसे तैयारी चल रही है इस वक्त। समय से 6:45 टाइम से है, तो 6:45 से यहाँ पे आरती शुरू कराई जाती है, 7 बजे आरती खत्म होती है। प्रतिदिन यहाँ पर हजारों की संख्या में भीड़ श्रद्धालु साधु संत विदेशी सैलानी यहाँ पर और भी सेना के उच्च अधिकारी वगैरह सब यहाँ पर आरती में भाग लेते हैं। तो आपका क्या कहना है इस बार जो महाकुंभ मेला होने जा रहा है 12 साल बाद, तो इसके बारे में आप हमें कुछ रूबरू कराएंगे? इस बार कुंभ मेला ऐसा देखने को मिलेगा कि जैसा कि पहले कभी कुंभ मेला होया करता था, और आज की दृष्टि से पहले की संख्या तो 125 करोड़ थी, अब आज 150 करोड़ जनसंख्या है यहाँ पर, उसमें भी 3-4 करोड़ हमारे यहाँ जनसंख्या आने की संभावना है कुंभ मेला में। यहाँ के मेला अधिकारी विजय किरण आनंद जी जो PM के माध्यम से यहाँ पर तैनात हुए हैं, उन्होंने सब रूपरेखा तैयार कर ली है। इस बार यहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा अखाड़ा, यहाँ पर अच्छी अच्छी रोडें और चौड़ीकरण करके उसको बसाया जा रहा है। एक तरफ से साधु संतों का अखाड़ा रहेगा, एक तरफ से किन्नरों का अखाड़ा रहेगा, कुछ महिलाओं का भी अखाड़ा रहेगा। उसके बाद जितनी संस्थाएँ यहाँ पर लगाई जाएंगी, और सब प्रयागवाल संस्था है जो अपने यहाँ लोगों को यहाँ पर बिठाने का, अपने यहाँ रोकने का और उनको अच्छा स्थान देती है, मैं उनका भी यहाँ पर जो है कार्यक्रम देखता रहता हूँ। और ऐसा कार्यक्रम अब ऐसा जो होने जा रहा है वो बहुत ही अच्छा ही दर्शाने को मिलेगा यहाँ पर। तो इस बार जो कुंभ मेला स्टार्ट होने जा रहा है वो कितने तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है? हमारा कुंभ मेला यहाँ पर 14 जनवरी से शुरू हो जाएगा, 14 जनवरी से एक महीना तक हमारे यहाँ पूर्णिमा तक 45 दिन तक का रहेगा।